नमस्कार, कुलीन देसाई जी का परिचय देने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कुलीन जी ने अहमदाबाद के एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बीफार्म की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमबीए मार्केटिंग एंड फिनेंस की उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है। अपना अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस चालू करने से पहले वे सिटी बैंक यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट के उच्च पद पर विराजमान थे। अब वे एक सफल और प्रभावशाली इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। देसाई जी का गहरा अनुभव और इस बिजनेस की सफलता अपने आप में ही एक मिसाल है। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर कुलीन देसाई। ओके, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम कुलीन देसाई है। मैंने यहाँ अहमदाबाद से फार्मेसी कॉलेज एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से फार्मेसी का डिग्री लिया है। उसके बाद में मैंने एमबीए भी किया है फाइनेंस और मार्केटिंग में यूएसए जाके, और उसके बाद में मैं सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था, उसके कंप्यूटर डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। वहाँ मैंने शायद करीबन 10-15 साल काम किया, और जब मैं यहाँ इंडिया से यूएसए गया था तो वहाँ कुछ तरक्की करने के लिए गया था, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ भी मैं जो यहाँ कर रहा था वही करना पड़ता था मुझे। वहाँ सुबह बहुत जल्दी से उठकर नौकरी जाने का और शाम को देर से घर आने का, और जैसे मेरी पोजीशन बढ़ती गई वैसे मेरी लाइफस्टाइल कम होती गई, क्योंकि जो मेरे पास जो समय होना चाहिए अपने फैमिली के लिए वो कम होता जा रहा था। और मैं यहाँ से गया था फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढने के लिए, जो आर्थिक स्वतंत्रता जो बोलते हैं उसको ढूंढने के लिए गया था। वो वहाँ जाके भी मैं क्या हुआ कि वहाँ जाके मैं पैसे का गुलाम हो गया, तो जो मेरी फ्रीडम थी वो चली गई। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये बात आज यहाँ सुन रहे हो और आप शायद ये कुछ कैसेट के द्वारा भी सुनते होगे अभी, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम चीज़ क्या है, ये आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, उसको कैसे हासिल किया जाए। और बहुत से आदमी यहाँ पे हैं जिनको ये मालूम भी नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, तो मैं पहले आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आर्थिक स्वतंत्रता किसको बोलते हैं और वो कुछ कैसे हासिल की जाती है। मेरा तो फाइनेंस का बैकग्राउंड है और मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं पैसे के बारे में, उसका मैनेजमेंट करने के बारे में और कैसे उसका इस्तेमाल करने का सब मैंने सीखा। किंतु एक चीज़ है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता जो है ना वो अकेले पैसे पर डिपेंड नहीं करते। पहले तो देखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के एलिमेंट्स क्या है उसकी क्या, और उस पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ उसके पहले एक बात करना चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रामर है ना हिंदी का बहुत अच्छा नहीं है, इंग्लिश का भी अच्छा नहीं, तो बोलता है भाई दोनों में से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको कुछ परेशानी होगी समझ में, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बराबर। तो इसीलिए पहले से ही आपकी माफ़ी मांग लेता हूँ, बराबर ना। उसके लिए पहले तो पैसे चाहिए, हाँ पैसे जो आपके पास नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता आ ही नहीं सकती, बराबर। और पैसे कितने होने चाहिए वो भी एक सवाल है। आपको एक चीज़ बताऊं कि आप हमेशा देखोगे तो ऐसा आदमी आपको मिलेगा जो आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, और आपको ऐसा भी आदमी मिलेगा आपसे कम पैसे वाला है। तो ऐसा तो कोई नहीं कि कितना पैसा ज़्यादा पैसा है, उसके लिए एक ही सवाल है। आप अपने आप से पहले ये सवाल करो कि मेरे पास इतने पैसे हैं जो चीज़ें मुझे चाहिए जीवन में वो दिला सके। डू आई हैव इनफ मनी टू डू एवरीथिंग आई लाइक टू डू, मेरे पास इतने पैसे है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भी कार गाड़ी, तुम्हारे पास आज वो गाड़ी है जो आप चाहते हैं या वो गाड़ी है वो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आपके पास गाड़ी भी नहीं है ना। कोई आदमी ऐसा होता है कि भाई मुझे गाड़ी में दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है या गाड़ी में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम सब अपने मन तो मना लेते हैं ना कि गाड़ी की क्या जरूरत है, बम्बई में तो बहुत ट्रैफिक रहता है, क्यों गाड़ी की झंझट नहीं चाहिए हमको। पर जो पैसा होता तो ये सेंटेंस बदलता,
तो दैट मीन्स यू नीड मोर मनी इन दैट्स रीजन यू डोंट हैव कार। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो सैम वॉल्टन करके अमेरिका में आदमी, लेट सैम वॉल्टन, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, बट जो उसके बहुत बड़ी बिजनेस उसी चलती है, सैम क्लब्स और यू नो वॉलमार्ट करके उसका बड़ा बिजनेस चलता है। वो आदमी जो पिकअप ट्रक बोलते हैं यूएसए में, वो चला दादा, वो सस्ते में सस्ती आती है, वो पिकअप ट्रक ही हमेशा चला दादा। उसको चाहे तो मर्सिडीज भी अफोर्ड कर सकता था और रोल्स रॉयस भी अफोर्ड कर सकता था, किंतु उसने, उसको वो पिकअप ट्रक बहुत पसंद थे, इसीलिए वो पिकअप ट्रक चला दादा ना। उसके पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि वो उसको किसी भी कार उसको पसंद आए वो चला सकता था, किंतु उनको वही पसंद आया इसीलिए चला था। आपका, मेरा ये सवाल है कि आपके पास जो भी गाड़ी है, कार है, आपको बहुत पसंद है इसीलिए चलाते हो, या पैसे होते तो वो निकाल देते उसके ना? आपको इसका जवाब बहुत ऑनेस्टी से देना है। और ये तो हुई कार की बात, मान लो कि मकान अपना, आपके पास ज़्यादा पैसे होते तो वही मकान में रहते या दूसरे मकान में जाते? आप एक ही मकान रखते या बहुत सारे रखते? बोलते एक तो बीच पे रखते, एक लेक पे रखते, एक माउंटेन पे रखते, ये सब नहीं है। क्यों? कि उसके लिए क्या चाहिए? पैसे। तो पैसे की जरूरत पड़ती है इसके लिए, बराबर। और देखो आपके वकेशंस, जो वकेशन पे कहाँ जाते हो? बोलते भाई हम तो हमारे टाउन में ही वकेशन करते हैं। पैसे होते तो कहीं दूसरी जगह जाते घूमने के लिए, यूरोप जाते, अमेरिका जाते, किसी को पसंद है वहाँ बाहर घूमना फिरना पसंद है ना हर एक को? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पैसे नहीं है। तो पैसे की तो जरूरत, ये तो सब बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। और मान लो कि कोई आदमी बोलता है भाई हमको तो पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो चैरिटी करना है। चैरिटी करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। अपने पास पैसे नहीं तो चैरिटी मांगनी पड़ती है, करने की बात अलग रहेगी, बराबर है? तो पैसे तो चाहिए, बराबर। ये तो सब बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, पर छोटी चीज़ों से आपको ये मालूम हो जाएगा मुझे पैसे चाहिए या नहीं। जो सब लेडीज़ों ने, जब मान लो कि आप साड़ी खरीदने गई, मैं एग्जैक्टली बताऊं क्या हुआ, आपने दो साड़ी देखी, एक साड़ी जो आपको पसंद आई और एक साड़ी जो आप घर लेके आई, मालूम हुआ? क्योंकि जो पसंद आई वो खरीद नहीं सकते थे। और दूसरी एक बात, आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, नहीं तो मेन्यू कैसे रीड करते हो? लेफ्ट साइड से राइट तक और राइट साइड से लेफ्ट में, वो आपको बताएगा आपको पैसे की जरूरत है या नहीं। तो पैसा एक चीज है, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाहिए। पैसा अकेला काफ़ी नहीं है, उसके लिए समय चाहिए। वो पैसा जो आप कमाते हैं उसको एंजॉय करने के लिए समय चाहिए। मनी विदाउट टाइम हैज नो वैल्यू। आप ऐसे होंगे, कई आप ऐसे यहाँ बैठे भी होंगे और आप सुन भी रहे होंगे, आपके पास बहुत पैसे, बट आपको पैसों का इस्तेमाल करने के लिए टाइम है? मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मैं जब मैं सिटी बैंक में सर्विस करता था तब मैं सुबह 5 बजे उठ के नौकरी जाता था और शाम को 9-10 बजे वापस आता था, और वहाँ आने के बाद में तो कुछ एनर्जी नहीं बचती। घर आने के बाद क्या करते थे? खाना खाते थे, खाना खाने के बाद टीवी देखते थे, पूरे वर्ल्ड का रिपोर्ट ले लेते थे, भाई एवरीथिंग इज ओके एवरीवेयर, यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज आई हैड ऑल द रिस्पांसिबिलिटी, यू नो राइट। वो करके सो जाने का, बाद में सुबह उठ के वो ही चक्कर चालू, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक और सैटरडे तक वही चक्कर चलता रहता है। जब मैं नौकरी जाता तो बच्चे लोग सोते थे सुबह में, मैं शाम को जब घर आता हूँ तो भी सोते थे, तो पूरे नो सोम से शुक्र तक तो मैं उनका फेस भी नहीं देख पाता था। तो हमने मीना को बताया था कि भी उसको हमारा पिक्चर दिखाते रहना, वरना संडे को बोलेगा ये आदमी कौन आ गया घर में, राइट। और अंकल बोलेगा ये अंकल कौन आया घर में। तो ऐसी हमारी, तो मैंने बोला कि इसे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जो वहाँ जाता था काम करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए जाता, बराबर। आप भी अभी कुछ जो कुछ अपना व्यवसाय है आप क्यों कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, बराबर है। तो जो चीज़ मैं कर रहा था अपनी फैमिली के लिए, वही चीज़ हमको फैमिली से अलग रखती थी। तो मैंने बोला उसका कुछ करना चाहिए, पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, वही था, क्योंकि हर एक आदमी वही करता था, मैं भी वही करता था।
और हमको मालूम नहीं था कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो टाइम एंड मनी दोनों की ज़रूरत है, वन विदाउट अदर हैज़ नो वैल्यू। टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और आप में आप कई ऐसे आदमियों को पहचानते हो कि जिसके पास टाइम ही टाइम है, पैसा नहीं है, तो वो टाइम को क्या करोगे? दोनों की ज़रूरत है, बट बैलेंस में होना चाहिए। एक ज़्यादा है दूसरा कम है तो वो उसमें लाइफ नहीं रहती, बराबर। और तीसरा एलिमेंट जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो है सिक्योरिटी। और दो सी मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड सिक्योरिटी एज अ जॉब सिक्योरिटी। सी द जॉब सिक्योरिटी एंड इनकम सिक्योरिटी द टू डिफरेंट थिंग्स। जॉब सिक्योरिटी एंड इनकम सिक्योरिटी दो अलग चीज़ें। जॉब सिक्योरिटी क्या है कि आपके आपके पास एक जॉब है, चला गया तो कोई दूसरा मिल जाएगा, कहीं भी नौकरी मिल सकती है, एक नौकरी गई तो दूसरी मिल सकती है, एक बिजनेस बंद नहीं चलता बराबर बंद हो गया तो दूसरा निकाल सकते हो, राइट। तो वो उसका सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी चाहिए आपको इनकम की। और इनकम सिक्योरिटी किस चीज से आती है कि जब अपनी इनकम, अपनी जो आमदनी है तुम्हारी, वो अपने एफर्ट्स से होती है, तब तक सिक्योरिटी जीरो है। इफ योर इनकम डिपेंड्स ऑन यू ओनली, यू हैव जीरो सिक्योरिटी। क्योंकि द डे यू कैन नॉट डू व्हाट यू सपोज टू डू, देयर इज नो इनकम। जो तुम्हारा जो इनकम सिक्योरिटी है ना, तुम्हारी एबिलिटी जो है प्रोड्यूस करने की उसमें है। जब अपनी जो 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 कुछ काम कर रहे हो, मान लो कि आप बहुत बड़े सर्जन हो और अपनी उंगली कट गई तो अब क्या इनकम होगी? दाएं हाथ की उंगली कट गई तो अब इनकम क्या है? जीरो हो गई ना, क्योंकि तुम्हारा एबिलिटी जो था, तुम्हारी जो स्किल थी जो, वो चली गई। तो जो जो सिक्योरिटी जो है ना, वो तुम्हारी अबिलिटीज़ में, और जिस दिन वो चली गई तब क्या होगा? तुमने जो मेरी स्टोरी अपनी बताऊं तो मेरे जो पिताजी थे या गवर्नमेंट में बड़े अफसर थे, सब कुछ गवर्नमेंट दिया हुआ था, हमारे पास नौकर चाकर सब थे। मैं जब 5 साल का था छोटा, तब एक दिन उसको हार्ट अटैक आया, वो चले गए। दूसरे दिन सब कुछ उसके साथ चला गया, क्योंकि ही लॉस्ट हिज अबिलिटी टू परफॉर्म, उसकी अबिलिटी चली गई। तो दूसरे दिन हम गरीब हो गए, क्योंकि इनकम ही चली गई। आप अभी सोचो, शायद आप अपनी फैमिली में आप ही इनकम प्रोड्यूसर है, अगर आप अपना अपने आप को वहाँ से निकाल दो, अब आप अपनी फैमिली को देखो, फैमिली कैसे रहती है? क्योंकि जो इनकम सिक्योरिटी की जब चली गई, बाद में इनकम तो रहेगी नहीं, तो ये इनकम सिक्योरिटी कैसे आती है? इनकम सिक्योरिटी ऐसे ही आती है कि जब तुम्हारी इनकम, तुम कुछ काम करो या न करो, इनकम आती रहे, उसको इनकम सिक्योरिटी बोलते हैं। वो कैसे करने का, आज मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, कि ये तीनों चीज़ जब आपके पास है, आपके पास पैसे है जो कुछ करना है कर सकते हो, आपके पास समय है उसको एंजॉय करने के लिए, और आपके पास जॉब इनकम सिक्योरिटी भी है। आज हमारी सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है ये बिजनेस के जरिए, कि आज हमको कुछ, शायद न परमात्मा ऐसा न करे, बट कुछ हो जाए हमको, हमारे लड़कों के, हमारे बच्चों के बच्चों को भी कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिक्योरिटी हो गया। क्योंकि जो हमारी जो इनकम है, मैं तो शायद उसका 1% भी जिम्मेदार नहीं हूँ, नॉट इवन 1%। इसीलिए हमारा सिक्योरिटी है उसमें। वो कैसे होता है, आप उससे बात करने की आपको ना, ये जो जो इनकम सिक्योरिटी है, मैंने बोला थी, जब आप अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, आप देखो कोई बड़ी कंपनी जो होती है उसमें इनकम क्यों ज़्यादा होती है, और जो आदमी वो कंपनी में काम करता है उसकी इनकम क्यों इतनी नहीं होती। आपने कभी सुना है टाइम इज मनी? टाइम पैसा ही, समय ही पैसा है। क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? समय का। देखिए, सब जो अपने अपने पास जो जो हम करते हैं, नौकरी में कैसे पैसे कमाते हैं? मान लो कि हम 8 घंटा काम करते हैं तो उसका आपको 8 घंटे का सैलरी मिलता है, बराबर। तुम 10 घंटा काम करते हो तो 10 घंटे का सैलरी मिलता है, 12 घंटा काम करते हो 12 घंटे का सैलरी मिलता है। जितना काम ज़्यादा करोगे उतना सैलरी ज़्यादा मिलेगा, बराबर ना। हम हर एक के लिए
वो जो सैलरीज अलग अलग है, क्योंकि तुम्हारा जो एजुकेशन लेवल है वो डिफरेंट है। आप कहीं एजुकेटेड हो तो उसको आवरली सैलरी ज़्यादा है, आपके पास कम एजुकेशन है तो आवरली रेट कम है, बट आप सबके पास 24 घंटे से तो ज़्यादा समय नहीं है। तो जब मैक्सिमम यू कैन ट्रेड इज 24 आवर्स, इसीलिए इनकम का कैप आ जाता है। बाद में क्या होता है, आपको मालूम है दर एवरी 10 ईयर्स प्राइस इज डबल्स। प्राइसेस जो होते हैं हर एक चीज़ों के दाम 10 साल में बढ़ जाते हैं, बराबर। इनकम बढ़ती है 10 साल में। आप अपने 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 जो कुछ व्यवसाय है तुम्हारा, देखो 10 साल में तुम्हारा इनकम डबल हुआ है। एक्सपेंसेस डबल होते हैं, इनकम डबल नहीं होती। इससे क्या होता है कि आपको कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप मान लो कि 8 घंटा काम करते हो, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो अब कितना करना पड़ेगा, आपको मान लो दुगुनी इनकम करनी है, अब क्या करने पड़ा, दूसरे 8 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो 16 आवर्स, राइट? यू नो सम पीपल वर्क 2 जॉब्स, पीपल दो नौकरी करते हैं, शाम को जाते हैं सुबह जाते हैं, ऐसा करते 16 आवर्स काम कर, मान लो कि 16 घंटा काम करना। अब मान लो कि आपको कुछ ज़्यादा ऐड करना है तो दूसरा 8 घंटा ऐड कर दो, 24 हो गया, 24 घंटे काम कर सकते हो ना। खाना पीने की क्या ज़रूरत है, नहीं काम करते रहने का। बाद में आपको मान लो कि अभी भी मोर पैसे की जो, अब क्या करो, दूसरा 8 घंटा ऐड कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटा लिमिट हो गई। अब तो कुछ नहीं कर सकते, 24 घंटा इज अ लिमिट। बट आप जो मेरे जैसे इंटेलिजेंट हो, तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने शादी कर दिया, दूसरा 24 घंटा आ गया, बराबर। पर बाद में वो तो लीगली एक ही बार कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। तो ये बात क्या बताऊँ कि जो तुम्हारी जो इनकम है ना, वो डिपेंडेंट है ना टाइम पर। तो ये सोचने था कि टाइम कैसे बढ़ाया जाए। मान लो कि कंपनीज लाइक कोका कोला और AT&T और रिलायंस, व्हाई डू दे हैव मोर इनकम, उन कंपनियों की इनकम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। मान लो कि कोई कंपनी के पास 10,000 एम्प्लॉयज़ है और हर एक एम्प्लॉयज 8 घंटा काम करता है, उसके बाद कितना घंटे हो गए, 80 घंटे हो गए ना, 80,000, इसीलिए उसकी आमदनी ज़्यादा है। तुम 8 घंटा काम करते हो, उसको 80,000 का काम मिलता है। सो जो समय ही पैसा है, बट अपने पास कोई उसका रास्ता नहीं है, इसीलिए सब लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्यों करते हैं, कि बिजनेस में समय का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको बड़ा इनकम बढ़ानी है तो 2 आदमी को काम पे रख सकते हो, उसके बाद में 4 दूसरे आदमी को रख सकते हो, 10 दूसरे आदमी को रख सकते हो। बट जितनी बार आप अपना स्टाफ बढ़ाओगे, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की, क्योंकि तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, बिकॉज इसका लिमिटेशन वहाँ पैसे का आ जाता है। तो हर एक आदमी का जो ज़रूरी चीज़ें अपने जीवन में है वो नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके पास समय नहीं है या पैसा नहीं है, एंड पैसा नहीं है क्योंकि समय नहीं है। तो उसका रास्ता क्या है, उसका रास्ता है जो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। जो फ्रेंचाइज का जो बिजनेस है ना, उसमें वो डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें क्या होता है, जनरली फ्रेंचाइज का जो बिजनेस होता है, उसमें जो आदमी फ्रेंचाइज ऑपरेशन शुरू करता है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर बोलते हैं उसको, वो अपनी फ्रेंचाइज देता है। और जब कोई आदमी वो फ्रेंचाइज खरीदता है, तो उसकी जो इनकम, जो आमदनी होती है, उसमें से परसेंटेज उसको मिलता है, 4%, 10%, 15%, ऐसे जिस हर एक फ्रेंचाइज में अलग होता है। तो मान लो कि आज उसकी 10,000 फ्रेंचाइज हो गई, हर एक फ्रेंचाइज से उसको 1 रुपया मिलता है, बाद में दिन में उसको 10,000 रुपया मिलता है। ऐसे 1 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता, राइट? भाई वो 1 रुपया 10,000 डिफरेंट प्लेसेस से आता है उसके बाद, इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और उससे सिक्योर भी कैसे होती है, कि मान लो कि आज एक दुकान बंद हो गई उसकी, तो 10,000 में से 1 रुपया कम आएगा, अब उसकी कोई फर्क पड़ता है उसको, क्योंकि इनकम जो है ना उसकी एक दुकान से नहीं आती, उसकी इनकम 10,000 दुकान से आती है। पर आपको 10,000 दुकान करनी है तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। फ्रेंचाइज में क्या होता है, हर एक आदमी अपनी दुकान खोलता है, उसको अपना इन्वेस्टमेंट खुद ही करता है, इसीलिए जो आदमी फ्रेंचाइज देता है उसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हमारा जो बिज़नेस है वो यही प्रिंसिपल पे बनाया गया है, बट हम उसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइज। प्राइवेट फ्रेंचाइज में डिफरेंस क्या है, कि हर एक आदमी अपनी फ्रेंचाइज दे सकता है,
जो जो रेगुलर फ्रेंचाइज होती है ना उसमें तुम किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। जब तुमने खरीदा फ्रेंचाइज, मान लो कि मैकडॉनल्ड्स है और बास्किन रॉबिन्स है, लाड़ो फ्रेंचाइजीज ये देश में भी अभी तो आ गई है, आपने एक मैकडॉनल्ड खरीद लिया, बाद में आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो दूसरा मैकडॉनल्ड खरीदना पड़ेगा, हाँ, किसी को दे नहीं सकते, हाँ। ये हमारे बिजनेस में क्या है, प्राइवेट फ्रेंचाइज में क्या कि अपन को सेम राइट मिलता है, हाँ। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बहुत, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको टाइम मिलता है, पैसा मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है, हाँ। ये एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, हाँ। इसीलिए क्या होता है कि आपकी जो जो इनकम है ना डिवर्सिफाइड हो जाती है, एक इनकम का सोर्स चला गया तो दूसरा रहता है, हाँ। ये कॉन्सेप्ट आपने आपको समझने लिखिए क्या करने के, जो कि जो आदमी ने आपको ये जो कसेट दिया है उसको पूछो कि ये बिजनेस हमको समझाओ, वो आपको किसी मीटिंग्स में ले जाएगा, वहाँ जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा ये कैसे होता है। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू इज डू यू हैव अ नीड फॉर दिस थिंग, इसकी ज़रूरत है आपको, पैसे की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि आपको भूख नहीं लगी है तो मेरे पास खाना कैसा है उसके आपको फिक्र नहीं रहेगी, आपको भूख लगी है तो आप अपना मेरा खाना टेस्ट करोगे, बराबर, आपको भूख ही नहीं है तो मेरा खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपके लिए उसको ही फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको भूख होना बहुत ज़रूरी है, और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। आज आप अभी अपनी अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हो कि भी मेरे पास जो कुछ चाहिए नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, और उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ या नहीं, पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल है आपके पास कि आपके पास ये चीज़ें क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है उसके लिए क्या करना है, तो नॉलेज नहीं है तो कैसे आएगा कि आपको ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास इसका नॉलेज है और उसको जाके पूछना पड़ेगा भाई हमको सिखाओ, यू नो आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू लिसन, बिकॉज अनलेस एंड यू अंटिल यू आर विलिंग टू लिसन एंड लर्न नोबडी कैन टीच यू। आप जब तक अपनी इच्छा प्रकट नहीं करेंगे कि भी हमको कुछ सीखना है, कोई सिखा नहीं सकता, तो दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ है आपको उसके लिए कुछ फेरफार करना पड़ेगा जीवन में, चेंज करना पड़ेगा, चेंज इज नेसेसरी। मोस्ट पीपल डोंट लाइक टू चेंज, वाई, बिकॉज पीपल जस्ट डोंट लाइक टू चेंज, चेंज अच्छा नहीं लगता किसी को, हर एक को आदमी को, मैं तो यही हूँ, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, मेरा पूरा फैमिली ऐसा ही है, कुछ नई चीज़ करने सोचने का, क्योंकि उसमें क्या रिस्क होता है, कोई भी नई चीज़ में रिस्क तो ज़रूर होता है, हा? और इसके लिए मैं एक आपको बराबर उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं है तो मर्सिडीज कार कैसी लगेगी, हा? किसी को मर्सिडीज पसंद है यहाँ पे, हा? मर्सिडीज बहुत बड़ी अच्छा गाड़ी है, हाँ, बट BMW, डू यू लाइक BMW, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरे पास है BMW 740IL, बहुत बढ़िया गाड़ी है, हा? वो गाड़ी में बैठने से कोई भी खड्डा भी आता है तो मालूम नहीं पड़ता, पर उसके लिए पैसे चाहिए, बराबर। अभी मान लो कि घूमने जाना है तो किसी को यूरोप जाना है घूमने के लिए, हा? पेरिस जाना है, लंदन जाना है, इटली जाना है, अमरीका जाना है किसी को, बराबर, अच्छी जगह है घूमने के लिए, हा? अब एक सवाल आपको पूछता हूँ कि वो मर्सिडीज और BMW में अमेरिका जा सकते हो, नहीं जा सकते, गाड़ी बहुत अच्छी है बट अमेरिका नहीं ले जा सकते। तो सवाल क्या है कि मान लो कि आपका जीवन में ये ध्येय है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, इनकम सिक्योरिटी चाहिए, पैसे चाहिए, समय चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता आपको चाहिए, वो तुम्हारा डेस्टिनेशन हो गया, बराबर, वो जगह पर जाना है, हा? और आप जो कुछ कर रहे हो अपना व्यवसाय है, अभी तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा बिजनेस है, जो कुछ है तुम्हारा व्हीकल है, आपको सवाल ये पूछना है कि मेरे पास जो व्हीकल है वो व्हीकल मुझे वहाँ ले जाएगा या नहीं, मेरे पास जो साधन है वो ले जा सकता है या नहीं, हु? अभी जवाब उसका हाँ में या ना में, ना में, हु? अभी क्या करना चाहिए, आपके पास दो विकल्प है, एक आपने कहीं सुना होगा 80-20 रूल बोलते हैं हम, नो, वो क्या बोलता है भाई, 20% पीपल जो है ना वर्ल्ड में उसके पास 80% मनी है और जो 80% है उसके पास बाकी के 20% है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सवाल आया अब
कि ये क्या करे, व्हीकल जो है वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ले नहीं जा सकता। तो दो चीज़ होती है, जो आदमी जो 80% में होता है ना, 80% में वो क्या डिसीजन लेता है, बोलता है भी अमेरिका क्यों जाना है, जहाँ मर्सिडीज ले आती है वहाँ जाते हैं। बोलते हैं भाई वहाँ भी दरिया होगा, हमारे यहाँ मुंबई में भी दरिया है, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसमें ये बात है कि वो आदमी पहले ऐसे एडमिट नहीं करेगा कि हम जा नहीं सकते, बोलेगा हम तो जाना ही नहीं है वहाँ पे, कौन जाना चाहेगा, ऐसे अपने आप को मना लेते हैं। पर जो आदमी जो 20% में होते हैं ना, वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो व्हीकल बदलते रहते हैं जब तक डेस्टिनेशन पर ना पहुँचे। आपको अमेरिका जाना ही है तो आप क्या करोगे, वो मर्सिडीज में बैठ के एयरपोर्ट पे जाने का, एयरपोर्ट में से एरोप्लेन में बैठ के वहाँ चले जाने का। पर वो क्या रिक्वायर कर गया, चेंज, इट रिक्वायर्स चेंज। अनलेस एंड अनटिल यू मेक दैट चेंज यू विल नॉट। नाउ कई आदमी ऐसे होते हैं कि भाई हम तुम्हारा नहीं मानेंगे, हम तो मर्सिडीज मान, अच्छी गाड़ी है मुझे ले जाएगी, और ड्राइव करते रहते एक दिन पानी में नजर आएंगे, कहीं कहीं पानी आ जाएगा। सो ऐसे तीन चीज़ें, लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम नॉट टू मेनी पीपल हैव, आर्थिक स्वतंत्रता कई आदमियों के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास पहली बात तो उसका नॉलेज नहीं। आज मैंने उसको नॉलेज दे दिया आपको, आप आज के बाद ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं कैसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। कि मैंने आपको रास्ता दिखाया, बल्कि पहले मैंने जैसे बताया तब आपके पास उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले ये डिसाइड करो, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या नहीं, डू आई वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड इफ आंसर इज ऑनेस्टली यस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एम आई विलिंग टू लिसन टू समबडी हु कैन हेल्प मी, मैं किसी को सुनने के लिए तैयार हूँ या नहीं, जो आदमी मुझे बता सकता है ये कैसे मिलता है। आपको एक ही आदमी ये बता सकता है जिस आदमी ने आपको एक एसेट दिया है, उस आदमी से मुलाकात करके उसको पूछो कि ये कैसे मिल सकता है, तुमको एक ऐसा बढ़िया इंटरनेशनल बिजनेस दिखाएगा वो आदमी, वो इंटरनेशनली टेंशन फ्री बिजनेस है, और इस बिजनेस से आपको ये आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है। बट नाउ यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, सो नाउ योर नेक्स्ट स्टेप एंड कम एंड जॉइन अस, गॉड ब्लेस यू एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अराउंड।